नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक के बारे में। वैसे तो कल मैंने ओपन मार्केट में इस पे बात करी थी और मेरा व्यू इस स्टॉक को लेकर थोड़ा नेगेटिव साइड में ज्यादा रहता है। मैंने हमेशा एक ही चीज बोला है कि इस स्टॉक को जिसके पास भी है वो लेके बैठोगे, छोटे अमाउंट में लोगे और बोलोगे कि बनेगा तो बड़ा बनेगा वरना कोई बात नहीं, तो पैसा बना लोगे। लेकिन आप सोचो मेरे खरीदते ही शेयर चल जाए, पैसा बन जाए, तो थोड़ा टेंशन में आ सकते हो, दिक्कत में आ सकते हो। इस कंपनी में मेरा व्यू सिंपल है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस तो जरूर है, लेकिन कैसे कॉम्पीट करेगा अपने कॉम्पिटिशन से, कैसे उन्हें पीछे करेगा। और मेरे लिए इस स्टॉक में दो चीज़ें बड़े नेगेटिव दिखती हैं, बड़े लेवल पर नेगेटिव दिखती हैं। दो समस्याएँ मेरे लिए, पहला कंपनी का प्रॉफिट, जो ऑब्वियस है कंपनी चलती रहेगी अगर अच्छा करेगी तो वो आ ही जाता है। कंपनी अगर मार्केट में टिकी हुई है, डटी हुई है, तो प्रॉफिट तो आ ही जाता है। और दूसरा मेरे लिए प्रॉब्लम थी कंपनी की सर्विस। कंपनी गाड़ी तो बेच रही है लेकिन सर्विस नहीं दे रही है, और आपको अगर बड़ा प्लेयर बनना है तो कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो नहीं मिल रहा था दोस्तों, क्योंकि सर्विस सेंटर्स की कमी थी, सर्विस हो नहीं रही थी स्कूटी, और इंटरनल इश्यूज भी आ रहे थे, जिसमें कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है दोस्तों। यानी कि दो जो सबसे बड़ी समस्या थी, एक प्रॉफिट और एक सर्विस, उसमें दो में से एक चीज कंपनी को दिख रही है और कंपनी समझ रही है और कंपनी उस पर काम कर रही है। देखो, सबको समस्या पता चल जाती है लेकिन उस पर बहुत देर में काम करती है बहुत कंपनियां, लेकिन अगर कोई कंपनी अपनी प्रॉब्लम समझे, पता चल जाए कि उसे हम ये चीज अगर और सुधारें तो और तेजी से बढ़ सकते हैं और उस चीज पर वो फोकस करे, तो डेफिनेटली वो कंपनी अच्छा कर ही जाती है। अब कंपनी ने 27 सितंबर रात 7:15 बजे के करीब, 7:30 बजे के करीब बड़ी अनाउंसमेंट करी, यानी कल। क्या अनाउंसमेंट करी है वो सुनिए। कंपनी कह रही है कंपनीज यूनिट हैज रिसीव्ड, इनफैक्ट मैं आपको पूरा बताता हूं। वैसे तो देखा जाए तो कंपनी पहले से कह रही है, ये लगभग 26 तारीख से अनाउंसमेंट आना शुरू हुई थी। कंपनी ने 25 तारीख को एक अपडेट दी, कंपनी इज फेसिंग सिग्निफिकेंट कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इट्स आफ्टर सेल्स सर्विस इंपैक्टिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ब्रांड रेपुटेशन। कंपनी यानी कि कंपनी को ना आफ्टर सेल सर्विस को लेकर काफ़ी सारी कंप्लेंट्स मिल रही हैं। कंपनी ने स्कूटी बेची, गाड़ी बेची, उसके बाद कस्टमर को सर्विस चाहिए, वहाँ पर दिक्कत आ रही है, कस्टमर्स ने कंप्लेंट डालना शुरू करी और ये चीज़ कंपनी ने नोटिस कर ली। फिर कंपनी ने 26 तारीख को कहा कंपनी लॉन्चेस नेटवर्क पार्टनर प्रोग्राम। कंपनी ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा, नेटवर्क पार्टनर प्रोग्राम, जहां पे ऑनबोर्ड 600 पार्टनर्स टू एक्सेलरेट ईवी अडॉप्शन एंड इंडिसीज पैन इंडिया। तो यहां पे ईवी को ज्यादा से ज्यादा अपनाया जाए, इसके चलते एक कहीं ना कहीं इन्होंने कैंपेन रन किया नेटवर्क पार्टनर प्रोग्राम करके। फिर 26 तारीख को ही शाम को खबर आती है कंपनी टू एक्सपेंड इट्स नेटवर्क पार्टनर प्रोग्राम ओवर 600 करंटली टू 1000 अहेड ऑफ द फेस्टिवल सीजन, कंपनी टू ऑनबोर्ड 10,000 पार्टनर्स बाय द एंड ऑफ 2025, एक्सपेंड सेल्स सर्विस पैन नेटवर्क पैन इंडिया। कंपनी कह रही है कि अभी जो 600 हैं उसे 1000 और आगे 10,000 करना है कंपनी को अगले साल के अंत तक। तो ये बड़ी अनाउंसमेंट अपडेट है जो आगे का आपको अपडेट दे रही है, आगे फ्यूचर का आपको बता रही है कि भैया आगे बहुत स्कोप दिख रहा है कंपनी को, बहुत तेजी से एक्सपेंड करने की कोशिश में है और ये चीज़ कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव रही है। देखिए, कंपनी के पास सब कुछ है, मार्केट शेयर अच्छा है, कंपनी के लोगों को गाड़ियाँ खरीदने मतलब समझ में आ रही हैं, खरीद रही है पब्लिक कंपनी की स्कूटी वगैरह, लेकिन कंपनी की जो सर्विस है वो अच्छी नहीं लग रही है इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को, सर्विस से प्रॉब्लम है। अब उसको लेकर कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। क्या अनाउंसमेंट करी है, आप सुनिए। कंपनी अनाउंसेस हाइपर सर्विस कैंपेन टू डबल कंपनीज ओन सर्विस नेटवर्क टू 1000 सेंटर्स बाय दिसंबर 2024। तो ये इसी साल के अंत तक 1000 सर्विस सेंटर करने की बात हो रही है। आगे, कंपनी लॉन्चेस ईवी सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम टू ट्रेन 1,00,000 थर्ड पार्टी मैकेनिक्स अंडर द नेटवर्क पार्टनर प्रोग्राम टू मेक एवरी मैकेनिक ईवी रेडी अक्रॉस इंडिया। साथ ही साथ कंपनी 1,00,000 से ज़्यादा मैकेनिक्स को ट्रेन करने की तैयारी में है ईवी को लेकर, ताकि आने वाले समय में ये सब कुछ समझ सकें और ज़्यादा लोगों को समझा सकें।
तो कंपनी सर्विस सेंटर को लेकर फोकस कर रही है और इस साल के अंत तक 1000 सेंटर हो जाएंगे, जो कि डबल होंगे करंट से। तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं, यानी कि कंपनी को सर्विस सेंटर की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, बड़े लेवल पे समझ में आ रही है और कंपनी उस पर काम कर रही है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर है। अब आप कहो कि भाई मंडे को क्या शेयर भागेगा, देखो तो खबर काफ़ी अच्छी है, भागे ना भागे उसके पीछे वैल्यूशंस भी होते हैं और वैल्यूशन ऑलरेडी महंगे ही लग रहे हैं मुझे तो। स्टॉक थोड़ा वो, अब मैं जो चाहता था 75 रुपये पे गिर के आ जाए तो मैं ले लूँगा, तो मैं अब 75 की जगह सोच रहा हूँ अगर 90 भी मिलेगा ना तो हम खरीद सकते हैं। अब 90 और 100 में केवल 10% का फर्क है करंट लेवल से, तो आप चाहो तो करंटली ले सकते हो, लेकिन विजन आपका 3-5 साल से कम नहीं होना चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ। और आप चाहो तो वेट भी कर सकते हो, सिंपल है। कंपनी ने एक और अपडेट दिया, कंपनीज यूनिट हैज रिसीव्ड सर्टिफिकेशन फॉर कंप्लायंस विद द एलिजिबिलिटी असेसमेंट रिक्वायरमेंट एज पर द PLI स्कीम फॉर द ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स फॉर इट्स ओला S1 एंड 2 kWh स्कूटर। तो ये कहीं ना कहीं एलिजिबल होते हुए दिख रहे हैं। तो ये अपडेट आ रही थी, जो मेरे लिए सबसे बड़ी थी वो यही थी कि सर्विस सेंटर बढ़ रहे हैं और इसी साल के अंत तक बढ़ेगी। तो ये मेरे लिए काफी पॉजिटिव था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।